हेलो फ्रेंड्स, आई एम जनंदन महतो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जर सर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, एंड बिफोर गोइंग to discuss about anything, I am going to discuss about the basic points, basic facts about bridge rectifier. Okay, bridge rectifier. What do you mean by bridge rectifier? What is a bridge rectifier? Okay, so before discussing about bridge rectifier, I want to clear about rectifier. Rectifier is a device which converts alternating current into direct current. Okay, rectifier is a device which converts alternating current into direct current. Okay, so bridge rectifier also converts alternating current into direct current, and this is the block diagram for bridge rectifier. By the help of this block diagram, you can easily design bridge rectifier. You can make or you can design the model of bridge rectifier. This was the project work done by me when I was the student of MSc Physics, when I was pursuing my MSc degree from PKRM College, Dhanbad, in 2015-17. Okay, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप ब्रिज रेक्टिफायर का कैसे मॉडल तैयार कर सकते हैं। ओके, कैसे इसका मॉडल आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए आपको किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनके बारे में मैं बताता हूँ। तो आपको इसमें इस मॉडल को बनाने के लिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, वन ट्रांसफार्मर। और वन ट्रांसफार्मर में आपको जो मैंने ट्रांसफार्मर के लिए जो यूज़ किया था वैल्यूज़, वो क्या था, एसी इनपुट 220 to 230 वोल्ट और आउटपुट आपका था 12 वोल्ट। जो मैंने ट्रांसफार्मर यूज़ किया था उसमें इनपुट का वैल्यू था 220 to 230 वोल्ट, आउटपुट का था वैल्यू 12 वोल्ट। वन ट्रांसफार्मर हो गया पहला कंपोनेंट्स आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंपोनेंट्स जो है फोर डायोड्स, ठीक है, फोर डायोड्स मैंने यूज़ किया था। और फोर डायोड्स में आपका डायोड का जो वैल्यू है वो 4001 है। फिर रेजिस्टेंस जो मैंने एक यूज़ किया था इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में, वन रेजिस्टेंस यूज़ किया गया था, है ना, वन रेजिस्टेंस वाज यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर ऑफ वैल्यूज 1600 ओम, दैट इज़ 1.6 किलो ओम। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ कैपेसिटर, वन कैपेसिटर of value 1000 microfarad and 25 volt. Okay, one capacitor of value 1000 microfarad and 25 volt, and for checking current we had used in this project one LED valve. ओके, वन एलईडी बल्ब। बाय द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम यू कैन इजीली डिज़ाइन ए मॉडल ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। एट फर्स्ट वी हैड यूज्ड हियर वन ट्रांसफार्मर ऑफ एसी इनपुट 220 to 230 वोल्ट एंड फोर डायोड्स, दैट D1, D2, D3
डी फॉर एंड द अरेंजमेंट फॉर डिजाइनिंग ऑल दिस कंपोनेंट्स आर क्लियरली शोन इन दिस ब्लॉक डायग्राम. ओके,